ग्राम पंचायत बुशाहर आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस तरफ है मुख्य मंदिर का द्वार। साराहन पेशन फी कि ये 800-900 साल पुराना मंदिर है और ये राजा की राजा वीरभद्र जी की उनके पूर्वजों की कुलदेवी है। ये है नलाटी खेल स्टेडियम साराहन। हमारे साथ में है चेतराम जी जो कि इस मंदिर के पुजारी है। इस तरफ दिख रहा है श्रीखंड पर्वत की चोटियाँ। यहाँ पर रास्ता कच्चा है लेकिन नजारा अच्छा है। सर पे टोपी लगाकर सर ढककर मंदिर के अंदर जाना है क्योंकि नीचे यहाँ पे दिख रहा है सतलुज रिवर। वो लोग यहाँ पे रहते थे जो कि किन्नौर का शासन करने वाले राजाएं थे। उस तरफ था हमारा विश्राम कक्ष और एकदम उल्टा साइड में मंदिर का एंट्रेंस है और यहाँ से अभी हम लोग मंदिर में एंटर कर रहे हैं और वो नीचे दिख रहा है हेलीपैड। मंदिर श्री नृसिंह और शिव मंदिर। अभी हम लोग सरहान की हवा घर पे है। फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल टूर एंड ट्रैवल विद फैमिली। पिछले एपिसोड में हम लोग थे खुफड़ी में और आज इस एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे साराहन। तो ये रास्ता जो है वो घुमावदार बहुत है लेकिन खतरनाक बिल्कुल नहीं। खुफड़ी से साराहन की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है और हम लोग होटल खुफड़ी आश्रय से लंच के बाद साराहन के लिए निकल पड़े। इस वीडियो में आपको मिलेगी साराहन की पूरी जानकारी, साराहन में कहां पे रहना है और कौन कौन सी साइट सीन करना है। ये सारा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए और अंत में आपको लगेगा कि आपने सही में कुछ अच्छा देखा है। साराहन जाने वाली रास्ते में हमने कुछ देर के लिए यहाँ पे अपना गाड़ी को रोक लिया क्योंकि नीचे यहाँ पे दिख रहा है सतलुज रिवर। इसी सतलुज रिवर को साथ में लेते हुए हम लोग चलेंगे साराहन के तरफ। नारकंडा क्रॉस करने के बाद ये रिवर के बगल से साराहन के तरफ इस तरफ हम लोग चल रहे हैं। इतना सुंदर व्यू है तो गाड़ी रोक कर यहाँ पर थोड़ा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो बनता ही है। गूगल मैप में सरहन यहां से 58 किलोमीटर दिखा रहा है और ये है रास्ते की हाल। यहां पे काम चल रहा है। यहां पर रास्ता कच्चा है लेकिन नजारा अच्छा है। साराहन से 48 किलोमीटर पहले इस जगह का नाम है नोगली और ये अभी हम लोग है रिवर साइड में। यहाँ का व्यू इतना बढ़िया है कि हमें मजबूर किया कि हमारा गाड़ी रोककर यहाँ पे आने के लिए। अगर आप शिमला से चलेंगे तो सरहान से 40 किलोमीटर पहले मेन रोड के ऊपर आती है ये महिष मर्दिनी महालक्ष्मी मंदिर। तो अभी मंदिर दर्शन करेंगे, चलिए अंदर। सराहान से लगभग 30 किलोमीटर पहले ये हमारे सामने है झाकड़ी और घड़ी में हमारा अभी 7:50 हो रहा है और यहाँ से सरहान बस 17 किलोमीटर है लेकिन घड़ी में हमारा शाम को 8:30 बज चुका है। सरहान पहुँचते पहुँचते हम लोगों का रात को 9:30 बज गया था और कल हम लोग सरहान को एक्सप्लोर करेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक आप जरूर देखते रहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग है साराहन का भीमकली मंदिर का ट्रस्ट का गेस्ट हाउस में। कल हम लोग साराहन आए थे और आते आते रात को 9:30 बज गया था तो आज सुबह उठ के आपको साराहन के बारे में दिखाएंगे। सबसे पहले अभी हम लोग जो है ये साराहन का मंदिर परिसर है। इस तरफ है मुख्य मंदिर का द्वार। और यहाँ पे कुल मिलाकर मंदिर ट्रस्ट की 12 गेस्ट हाउस है। 12 गेस्ट हाउस में से कुछ गेस्ट हाउस इस तरफ है। ये है हमारी गेस्ट हाउस। कल रात को हम लोग यहीं पे थे। अगर साराहन में आप आएंगे तो इस मंदिर परिसर में रहने का एक आध्यात्मिक एक फीलिंग एक अलग सी होती है।
और ये हमारी गेस्ट हाउस के लिए हमें पे करना पड़ा सिर्फ 550 रुपए एक रात के लिए। ये हमारी रूम है, ये टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे टेबल और ये है हमारा बेड। यहाँ पे चार लोग आराम से रेस्ट कर सकता है। और इस तरफ है हमारा वॉशरूम, ये है हमारा वॉशरूम, यहाँ काफी बड़ा है और बहुत अच्छा है। आराहन में रहने के लिए इस भीमकाली मंदिर का ट्रस्ट का गेस्ट हाउस सबसे बेस्ट है। और अभी यहाँ से सीढ़ी से चढ़ के हम लोग दो कदम नीचे आए हैं और इस तरफ दिख रहा है श्रीखंड पर्वत की चोटियाँ, सफेद चद्दरों पे ढका हुआ बहुत ही खूबसूरत और मनमोहित दृश्य है। और मेरा ये सामने है नृसिंह मंदिर। यहाँ आने से पहले कभी हमने ये सोचा भी नहीं था कि इतना सामने से हमें ये सुनहरा दृश्य दिखाई देगा। तो मंदिर परिसर में हम लोग खड़े हैं और हमारे साथ है करमचंद जी। मंदिर के बारे में बता दे, हिंदू और बौद्ध वास्तुकला के निदर्शन पे बना हुआ ये मंदिर का आर्किटेक्चर जो है ये देखने वाली है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये मंदिर का आर्किटेक्चर देख के आपको समझ में आएगा कि ये काफी पुराना मंदिर है। अगर इस रूम पे आप रहना चाहे, इस कक्ष में विश्राम गृह में आप रहना चाहे, तो करमचंद जी का फोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप सराहन आएंगे तो आप करमचंद जी से संपर्क करें और करमचंद जी से थोड़ा मंदिर के बारे में थोड़ा पूछ लेते, थोड़ा जानकारी ले लेते उनसे। मंदिर तो बोलते थे कि ये 800-900 साल पुराना मंदिर है और ये राजा की, राजा वीरभद्र जी की, उनके पूर्वजों की कुलदेवी है ये, तो उन्हीं के इसमें पहले ये उन्हीं के वंश थे, वही उसमें रहते थे, उन्हीं का ये क्योंकि महल था पहले ये सारा। ये उसके बाद जो उनके जो पिताजी थे परम सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे सामने पैलेस बनाया, फिर वो पैलेस में चले गए, फिर ये मंदिर को क्या हमने ट्रस्ट के एंड ओवर कर दिया गया है। उसके बाद इसमें जितने भी जो मतलब बाहर से जितने भी श्रद्धालु लोग गए बनना शुरू हो गए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने, फिर गेस्ट हाउस भी रहने के लिए हमारे पास यहाँ पर 12-13 कमरे है, डॉर्मेट्री है, और यहाँ भी टूरिस्ट बहुत आता है। यहाँ पर मैक्सिमम ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर कलकत्ता से ही आता है क्योंकि कलकत्ता से लोग काली माता को बहुत मानते हैं और यहाँ का लोकल लोग भी बहुत आता है, यहाँ का जो हिमाचल का जितना भी है और बाहरी कंट्री से भी फॉरनर लोग भी बहुत आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये जो मंदिर है ये मतलब हिंदू और बौद्ध इसकी मिक्स इससे बना गया हुआ है, जिसमें जो आर्किटेक्चर उसमें इसका आर्किटेक्चर हाँ, जो है हिंदू और बौद्ध जो उसमें हाँ, मिला हुआ है। हाँ जी, तो इसमें जो कारीगर है वो ज़्यादा किन्नौर और धोड़ू के ही है, जो काम अभी भी इसमें काम चला हुआ सारा, जो भी लोग हैं वो यहीं के कुछ मंडी से है, कुछ यहाँ के मिक्स करके इसको काम को आगे बढ़ा रहे हैं। करमचंद जी हमें काफी कुछ बताया मंदिर के बारे में और अभी हम लोग मंदिर के अंदर चलेंगे और श्री भीमकाली माता की दर्शन आपको करवाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को आगे देखते रहिए। उस तरफ था हमारा विश्राम कक्ष और एकदम उल्टा साइड में मंदिर का एंट्रेंस है और यहाँ से अभी हम लोग मंदिर में एंटर कर रहे हैं। मंदिर की एंट्री यहाँ से है और मंदिर प्रवेश करने से पहले यहाँ पे लॉकर है, लॉकर में आपका कीमती सामान रख के सर पे टोपी लगाकर सर ढककर मंदिर के अंदर जाना है। तो अभी फिलहाल हम लोग चलेंगे मंदिर के अंदर। श्री भीमाकाली मंदिर के अंदर कैमरा और मोबाइल लेके जाना सख्त रूप से प्रतिबंधित है, इसलिए मंदिर का मुख्य गर्भगृह का वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन मंदिर से निकलने के बाद हम बात करेंगे मंदिर की पुजारी से और उसके आगे सराहन की। इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे और भी बहुत कुछ जो देखने के बाद आप अंत में बिल्कुल बोलने वाले है कि सही में आपने कुछ अच्छा देखा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में है चेतराम जी जो कि इस मंदिर के पुजारी है, ये हमें मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर के बारे में काफी जानकारी देंगे, तो इनसे थोड़ा जान लेते हैं मंदिर के बारे में। चेतराम जी हमें थोड़ा बताइए। भीमाकाली मंदिर श्रान राजा वीरभद्र की कुल देवी है, ये श्रान का नाम पहले शौणितपुर था, शौणितपुर से श्रान पड़ा है और राजवंश जो है प्रद्युमन के समय से चला है, उस प्रद्युमन यहाँ के राजा है, उसके बाद ही यहाँ का राजवंश चला है। इस वक्त राजवंश की 123वीं पीढ़ी चल रही है और भीमाकाली माता का यहाँ एक कथन ये है भी कि भाई यहाँ माता सती का कान गिरा है
51 शक्ति पीठों में एक बाया कान गिरा है। दूसरा ये है कि माता भीमा काली इसलिए बोला जाता है कि दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में इनका वर्णन आ गया, उसमें लिखा है कि पुनः जब मैं जन्म लेकर हिमालय पर रहने वाले ऋषि मुनि की रक्षा करने के लिए भीम रूप धारण करके राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय जो है ऋषि मुनि नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात। तो इन्होंने हमें काफी जानकारी दिया मंदिर के बारे में। अभी यहाँ से हम मंदिर के अंदर चलेंगे, लेकिन यहाँ से कैमरा लेके जाना प्रतिबंधित है, तो कैमरा यहाँ पे जमा करके हम लोग अभी मंदिर के अंदर चलेंगे और श्री भीमा काली माता का दर्शन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को आगे देखते रहिए। श्री भीमा काली मंदिर परिसर में और भी दो मंदिर है, मंदिर श्री नृसिंह और शिव मंदिर, इसका अंदर अभी हम लोग चलेंगे और आपको दर्शन करवाएंगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव मंदिर और ओम नमः शिवाय। ये है श्री नृसिंह मंदिर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी हम लोग है श्री भीमाकाली मंदिर की कैंटीन में। हमारे साथ में है श्री जगमोहन मेहता जी। अभी कैंटीन में हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आलू पराठा है और चाय। भीमाकाली मंदिर में आप जब आएंगे तो इस कैंटीन में आप दोपहर का लंच, रात की डिनर और सुबह का नाश्ता आप बहुत ही उचित प्राइस में कर सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ कैंटीन का चारों तरफ। और मंदिर के अंदर जाने के लिए पूजा की डाली भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, वो पीछे रखा हुआ है पूजा की डाली। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर के बारे में कहावत ये है कि यहाँ पे माता सती का बाई कान गिरा था। मेरा पीछे है श्री भीमकाली मंदिर। यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं सराहन पैलेस। अभी इस बार एप्पल यहाँ पे बहुत कम हुआ है। ये एप्पल गार्डन है, ये एप्पल ट्रीज आपको दिख रहा होगा। अभी हम लोग आ गए हैं सराहन का रॉयल पैलेस में। ये रॉयल पैलेस यहाँ पे है, ये बहुत पुराना एक आर्किटेक्चर है, बहुत पुराना बिल्डिंग है, जो राजा बुशेर रामपुर के राजा और वो लोग यहाँ पे रहते थे जो कि किन्नौर का शासन करने वाले राजाएं थे, वो यहाँ पे रहते थे। इसका एक इतिहास भी है, इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे और पैलेस के अंदर अभी हम लोग चलेंगे। सराहन बुशहर राजा का ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। राजा और रानी का ये शाही महल भीमकाली मंदिर के बेहद नजदीक है। शाही परिवारें केवल दुर्गा पूजा के दौरान महल का दौरा करते थे। तकरीबन 800 साल ये उससे भी पहले बना हुआ ये महल स्थापत्य और कला का एक बेमिसाल निदर्शन है। अगर आप इतिहास और स्थापत्य कला पे दिलचस्पी रखते हैं तो सराहन का ये महल पे आप जरूर आए। श्री भीमकाली मंदिर के एकदम नजदीक में है ये पैलेस। पैलेस के अंदर अभी हम लोग आ गए हैं। ये पैलेस सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है और इसका प्रवेश निःशुल्क है। इस प्राचीन पैलेस में रहने वाले राजा महाराजाएं किन्नौर का शासन यहीं से करते थे। और बौद्ध वास्तुकला की एक बेजोड़ तालमेल है सराहन की ये पैलेस। ये मेरा पीछे
यहाँ से दिख रहा है श्रीखंड पर्वत की चोटी, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। ये है पैलेस और मेरा पीछे ये पैलेस का लॉन, बहुत सुंदर सजावट इन्होंने बहुत अच्छा से मेंटेन किया है। पीछे ये पर्वतों की चोटी श्रीखंड पर्वत, यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा है, एकदम सफेद चद्दरों पे ढका हुआ। ये मेरा पीछे है साराहन पेशन फी, साराहन की पक्षी विहार। यहाँ पे एंट्री फीस है एडल्ट के लिए 20 रुपीज और बच्चों के लिए 10 रुपीज। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक की टाइमिंग है। अभी हम लोग यहाँ पे चलेंगे अंदर में। ये पक्षी विहार के अंदर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई से ऊपर आना पड़ता है पक्षी विहार में जाने के लिए। साराहन पेसेंट्री, देखिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है मेरा पीछे, ये साराहन पेसेंट्री। और ये रोड है ऊपर जाने की, थोड़ा चढ़ाई है, थोड़ा आपको चढ़ाई चढ़ के थोड़ा सा ऊपर आना है। जंगलों के बीच का रास्ता है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है साराहन फैसेंट्री के सामान्य पक्षी। और ऊपर आते आते काफी पक्षी हमें दिखा भी, बट वीडियो करने से पहले ही सारे उड़ के चले जाते हैं। और ये रास्ता और भी ऊपर के तरफ, और हम लोग भी चलेंगे। साराहन फैशन ट्री में आप कह सकते हैं ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा नेचर वॉक है। काफी पक्षियों की आवाज आपकी कान में गूंजता होगा। अगर आप नेचर और फोटोग्राफी पे शौक रखते हैं और प्रकृति के बीच में सुकून से कुछ पल अगर बिताना चाहते हैं तो साराहन की इस पक्षी विहार में आप जरूर आए। पक्षी विहार के नजदीक ये है श्री राम वाटिका। पक्षी विहार से ये आप पैदल आ सकते हैं। अभी हम लोग चलेंगे अंदर में श्री राम वाटिका, ये भोले बाबा की मंदिर है। आइए हमारे साथ अंदर। मंदिर के बाहर है गुलाब के बगीचे और यहाँ पे हमें दिखा ढेर सारा लाल गुलाब। बाघ सेंचुरी और मंदिर के एकदम बगल में ये है नलाटी खेल स्टेडियम साराहन। अंदर में अभी चलेंगे स्टेडियम के अंदर और घूमकर देखेंगे। ये नलाटी खेल स्टेडियम में एक साथ 7 से 8 हजार लोग बैठ के खेला देखने का सुविधा है। और स्टेडियम के इस तरफ पहाड़ों की चोटी, बर्फ की चद्दरों पे ढका हुआ ये खूबसूरत सुनहरा दृश्य यहाँ से बहुत ही मनमोही है। ये हमारा सरहान का लास्ट डेस्टिनेशन है हवा घर। अभी हम लोग सरहान की हवा घर पे है। ये सरहान की एक व्यू पॉइंट है और यहाँ से देखिए दूर पे पहाड़ियों की सुंदर दृश्य, खूबसूरत नजारे आप यहां से देख सकते हैं। नलाटी स्टेडियम से ये लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है ऊपर के तरफ। मेरा पीछे है SSV हेलीपैड साराहन। ये हेलीपैड को सुरक्षा बलों के लिए और VIP मूवमेंट के लिए व्यवहार किया जाता है। ये भी साराहन में एक देखने वाली चीज है जो कि साराहन का हवा महल से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे नीचे की तरफ है। तो फ्रेंड ये है व्यू और वो नीचे दिख रहा है हेलीपैड। ग्राम पंचायत बुशाहर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो साराहन का ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होने वाला है, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपसे मिलने वाले हैं हिमाचल की और एक खास डेस्टिनेशन में जिसका नाम है चिटकुल।
तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए और आगे हमसे मिलिए चिटकुल में। सराहन का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स करके बताएं, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।